ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई पर आ जाएगा फैसला। फैसले से पहले अलग पर वाराणसी पुलिस पूरे शहर पर कंट्रोल रूम से 24 घंटे रखी जा रही नजर। आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। स्वागत के लिए सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। समिट में 50 देशों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद केस में आज होगी सुनवाई। मस्जिद की करीब 13.5 एकड़ जमीन पर है विवाद। पिछली सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष पर लगाया गया था 500 रुपए का जुर्माना। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी गिरफ्तारी के लिए छापा। गैंगस्टर कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई। अफसर अंसारी की तलाश में जुटी पुलिस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मितानता हॉस्पिटल में पहुंचे। हनुमानगढ़ी अयोध्या के संत भवनाथ दास से जाना है हालचाल। एटा में समाजवादी पार्टी के सभासद सुनील यादव के घर पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाया। अधिकारियों के साथ हुई नोकझोंक। बांदा में सड़क हादसा बेकाबू ट्रैक्टर पलटा। 30 लोग घायल। 1.5 दर्जन लोगों की हालत गंभीर। सभी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हरदोई में प्रधान के बेटे की चप्पलों से पिटाई की गई। पुलिस ने 4 युवतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। यूपी के शामली रोड हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। 1 की मौके पर ही मौत। 2 ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। अलीगढ़ में रिक्शा चालक ने की महिला से बच्चा छीनने की कोशिश। स्थानीय लोगों ने रिक्शा वाले को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में यात्री का फिसला है पैर। रेलवे सुरक्षा कर्मी ने बचाई यात्री की जान। हरिद्वार में सनसनीखेज वारदात से हड़कंप। पत्नी ने पति की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। गुस्साए बेटे ने सतेली मां को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद थाने में किया सरेंडर। कानपुर में हेड कांस्टेबल अमित कुमार का वीडियो वायरल। पेट्रोल पंप के बाहर पिस्टल लेकर घूमने का वीडियो वायरल। दबंगई दिखाने को कांस्टेबल ने वायरल किया था वीडियो।